हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए आपको एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में सीखा था। तो इन तीनों प्लेनों में से कोई एक प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे। टॉप प्लेन सेलेक्ट करने के लिए टॉप प्लेन वाले आइकन पे राइट क्लिक करें और स्केच का जो आइकन है इस पे क्लिक करें। तो अब आप स्केच मोड में आ गए। अब हम यहाँ पे पॉलीगॉन के बारे में कुछ जानेंगे। पॉलीगॉन कम से कम 3 साइड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साइड होंगे। पॉलीगॉन ड्रॉ करते समय दो में से कोई एक टाइप का सर्किल बनता है, या तो वो इंस्क्राइब्ड सर्किल बनेगा या फिर सर्कमस्क्राइब सर्किल बनेगा। इंस्क्राइब्ड सर्किल का मतलब होता है इनसाइड सर्किल, और सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल का मतलब होता है आउटसाइड सर्किल। तो चलिए पॉलीगॉन कमांड की मदद से पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है। पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए पॉलीगॉन वाले आइकन पे क्लिक करें। तो अब आपका पॉलीगॉन का कमांड एक्टिव हो गया। अब हम पहला उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे जहाँ से हम पॉलीगॉन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में सीखा था कि कोई भी स्केच ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हम स्केच को आसानी से फुल्ली डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ भी हम पॉलीगॉन ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करें और ड्रैग करें ऊपर की तरफ, ड्रैग करें और जहाँ पे आप स्टॉप करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करें। तो आप देखिए आपका ये पॉलीगॉन बन के तैयार हो गया। बट अभी हम कमांड से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है नंबर ऑफ साइड, तो ये 5 साइड है। अगर हम यहाँ पे 6 साइड दे देंगे, 6 और एंटर, तो आप देखिए ये 6 साइड हो गया। इसी तरह अगर हम इसमें 3 एंटर, तो ये 3 साइड हो गया। कम से कम इसमें 3 साइड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 40 साइड होंगे। 40 एंटर, तो ये देखिए ये 40 साइड है। तो यहाँ पे हम 6 साइड का एक हेक्सागॉन ड्रॉ करेंगे। 6 एंटर। अब देखिए यहाँ पे ये जो सर्किल बन रही है ये इंस्क्राइब्ड बन रही है, मतलब इनसाइड सर्किल बन रही है। अगर हम यहाँ पे सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल पे क्लिक कर देंगे, इस पे टिक करेंगे, तो देखिए अब ये हेक्सागोन के बाहर बनने लगेगा। तो आप अपने हिसाब से चूज करें कि आप कौन से सर्किल के साथ पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं, इंस्क्राइब्ड सर्किल के साथ या सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल के साथ, और ओके करें। कमांड से बाहर जाने के लिए राइट क्लिक करें और सेलेक्ट पे क्लिक करें। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हम पॉलीगॉन कमांड की मदद से एक हेक्सागॉन बनाया है। अब इसमें डायमेंशन दीजिए। डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक कीजिए और कोई एक साइड का डायमेंशन दीजिए, जैसे हम इस साइड का डायमेंशन देना चाहते हैं। तो इस साइड पर क्लिक करें और डायमेंशन एंटर कीजिए, 70 mm, एंटर, ओके। पर अभी भी ये हेक्सागोन अंडर डिफाइन है। इसे फुल्ली डिफाइन करने के लिए इसमें रिलेशन लगाना होगा। रिलेशन लगाने के लिए आप कोई भी एक साइड पे क्लिक करें, जैसे हम इस साइड पे क्लिक करेंगे और मैं के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे
वर्टिकल लगाएंगे और ओके करेंगे। अब देखिए आपका हेक्सागन फुल्ली डिफाइन हो गया। दोस्तों अब मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि तीन साइड को क्या कहते हैं, चार साइड रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, पांच साइड रहेगा तो उसको क्या कहते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर पॉलीगॉन तीन साइड रहे तो उसे ट्राइगॉन कहते हैं, चार साइड रहे तो उसे टेट्रागॉन कहते हैं, और पांच साइड रहे तो पेंटागॉन कहते हैं, और छह साइड रहे तो हेक्सागॉन कहते हैं। जो अभी हमने पॉलीगॉन कमांड की मदद से एक हेक्सागॉन ड्रॉ किया, सेवन साइड रहेगा तो उसे हेप्टागॉन कहेंगे, एट साइड रहेगा तो उसे ओक्टागॉन कहेंगे, नाइन साइड रहेगा तो उसे नोनागॉन कहेंगे, और टेन साइड रहेगा तो उसे डेकागॉन कहेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि पॉलीगॉन कमांड की मदद से हम कितनी आसानी से हेक्सागॉन ड्रॉ किया। तो आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।